एक चीज मैं बता देता हूँ, इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा, एक चीज मैं बता देता हूँ कि इनके ऊपर जो गाना गा रहे हो ना, तुम लोग सुधर जाओ। तुम लोग भोजपुरी, इतना बड़ा गायक तुम लोग बन गए हो, इतना बड़े मगही और भोजपुरी का गायक, किस लैंग्वेज में गाना गाइए? वही कि पहला पति के छोड़ के दूसरा यार फंसा ले, ये सब गंदा गंदा गाना जो निकल रहा है, दो गाना निकल चुका है, ये सब बंद करो। तुम्हारी बेटी या बहन जो करेगी तो अपना बेटी बहन पे तो नहीं करो। और नहीं नहीं नहीं, उस मर्द का क्या है? क्या ये फर्स्ट एक लड़का है जो लड़कियों का शोषण कर रहा है? समाज में ऐसी बहसी दरिंदे बहुत सारे घूम रहे हैं, और उस बहसी दरिंदे के लिए तुम वीडियो क्यों नहीं, तुमने गाना क्यों नहीं बनाया कि उस शादीशुदा लड़कियों को मत फंसाओ? क्यों शादीशुदा लड़की को उसने फंसाया? एक महिला नेचर से ही इमोशन होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, और अगर वो ममतामयी होकर किसी के लिए प्रेम एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो बोलता था कि मर जाएंगे, ये करेंगे, अनपढ़ महिला थी। अगर हम लोग जैसी पढ़ी लिखा महिला के सामने कोई बोले कि मैं जान दे दूंगा तो बोलेंगे मर जा, हम तुम्हारे चलते अपनी लाइफ थोड़ी बर्बाद कर लेंगे। लेकिन ये महिला कहीं ना कहीं अनपढ़ थी, ये लगातार बोल रही है कि मैं अनपढ़ थी, मुझे उतना नहीं पता चला, वो मरने का धमकी दिया, मैं इमोशन हो गई, मैं उसके नजदीक पहुंच गई। अब इसमें पुरुष को भी देखो कि ऐसी बहसी दरिंदे जो पुरुष घूम रहे हैं, जो शादीशुदा महिलाओं का इस तरह से उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं, चरित्र का हनन करते हैं, उन पुरुषों के लिए भी गाना बनाओ। नहीं गाना नहीं, अगर ये गाना को बंद नहीं किया तो महिला विकास मंच तुम्हारे चैनल पर एफआईआर करेगी। चैनल के ये लोग के जो